लेकर निकले, एक के बाद एक कई गाड़ियां। सीधे हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी की टीम लेकर जा रही है यहां पर, एक के बाद एक कई गाड़ियां। ये वो गाड़ियां थी जो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई थी। अरविंद और सुनीता 30 साल से एक दूसरे के हमसफर हैं और हर मुश्किल वक्त में दोनों ने एक दूसरे का साथ बखूबी निभाया। वैसे दोनों के मिलने और शादी की कहानी भी दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल की सुनीता से पहली मुलाकात भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा पास करने के बाद ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। नागपुर की राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में दोनों पहली बार मिले, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही। दोनों रोजाना ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारने लगे। यूं केजरीवाल अकादमी में बिंदास थे और उनकी ये खूबी सुनीता को पसंद थी, लेकिन केजरीवाल की जुबान प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कई महीनों तक अरविंद और सुनीता ने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा, लेकिन फिर एक दिन दिल के हाथों मजबूर केजरीवाल ने हिम्मत जुटाई और अकादमी में सुनीता के दरवाजे पर दस्तक दी और प्रपोज कर दिया। युवा अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा था कि पता नहीं क्या जवाब मिले, लेकिन उन्हें फौरन हाँ मिल गई। केजरीवाल ने बिना देर किए माँ को इन्फॉर्म किया और अपनी प्रेमिका से मिलवा दिया। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूँ वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। फोन पे बोला था कि मम्मी हमने एक लड़की पसंद की है, अगर आप बोलो तो। फिर हमने बोल दिया था हाँ, अगर लड़की ठीक है तो फिर हम एक बार देख के फाइनल कर देंगे। आपका क्या रहा था इसमें? हमने तो होटल के अंदर इंटरव्यू लिया था उनका। हमने एक ही क्वेश्चन पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड? इसने कहा यस सर, फॉर्मली आई बिलीव इन गॉड। बस ठीक है, उनको भगवान पे विश्वास है, हमारे ख्याल मिल गए। अगस्त 1994 में दोनों की सगाई हो गई और नवंबर 1994 में आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों ने शादी कर ली थी। 30 साल से साथ रहने वाली सुनीता अरविंद केजरीवाल का अंदाज बखूबी जानती है, लेकिन क्या वो अब अरविंद केजरीवाल की जगह सीएम का पद संभालेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल जरूरत पड़ने पर सुनीता को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगे? ये अभी काल्पनिक सवाल है, लेकिन भारतीय राजस्व सेवा से वीआरएस ले चुकी सुनीता भी निश्चित रूप से इस सवाल से दो चार होंगी, क्योंकि हालात बिगड़े तो कार्यकर्ता उनसे ये मांग तो कर ही सकते हैं। आज तक ब्यूरो।